वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इट्स मी मरियम। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जे डॉट की विंटर कलेक्शन, उसकी डिजाइनिंग और उसके प्राइजेस। और इसी के साथ साथ मैं आप लोग के साथ ये भी शेयर करूंगी कि इसका कैसा है और मुझे किस कपड़े में प्रॉब्लम आई हो। सकता है जो प्रॉब्लम मेरे साथ आई हो शायद आप लोग के साथ आई हो, या हो सकता है वो प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ आई हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्ट द वीडियो। जी, ये रहा आप लोग के सामने जे डॉट का फर्स्ट ड्रेस, जिसमें मैं आप लोग को सबसे पहले गला दिखाऊंगी। गला इसका जो है एम्ब्रॉयडरी है ब्लैक कलर की, इस पर जो है एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। अच्छा, यहाँ पर जो है बीच में इन्होंने यहाँ पे स्पेस दी हुई थी, जिसमें मैंने जो है कट लगा के अंदर की तरफ कपड़ा लगाया है। और इसमें जो है मैंने इस तरह से गोल्डन कलर के बॉक्सेस लगाए हैं। गोल्डन कपड़ा मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि अभी मैं आप लोग को इसका जब दुपट्टा दिखाऊंगी तो उसमें ब्लॉक प्रिंटिंग हुई हुई गोल्डन कलर की, तो मैंने कहा कि शर्ट में भी लाजमी होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बॉक्सेस लगाए। और इसी के साथ मैंने आप लोग को अक्सर वीडियोस में पहले भी बताया होगा कि ये जो है ये नलकियाँ और जो ये पत्ते होते हैं जहाँ से कढ़ाई का सामान मिलता है, तो वो आप लोग को ये दिखा देंगे, इजीली मिल जाएंगे। इस तरह से स्पेस पे जो है मैंने ये लगा दी, इससे एक जो है खूबसूरत सी गले की लुक आ गई। साइड पे चलते हैं, तो साइड पे जो है मैंने इसकी सेंट्रल लेस यूज करी है। सेंट्रल लेस क्यों यूज करी है, इसकी वजह ये थी कि जो जे डॉट का कपड़ा था उसमें एम्ब्रॉयडरी के एक तरफ जो है कपड़ा ज्यादा दिया हुआ था और एक तरफ कपड़ा कम दिया था, तो मैंने जोड़ ना लगे तो मैंने क्या करा, पैनल निकाल दिया और साइड्स में जो है इस तरह से कलियर डाल दिया और उसमें सेंट्रल लेस लगा दी। सेंट्रल लेस के नीचे मैंने जो है कपड़ा लगाया है। जो है दामन की और चौक की बात कर लेती हूँ, तो चौक और दामन आप लोग को मैं पहले दिखा दूँ। ये नीचे तक मैंने जो है सेंट्रल लेस लगाई हुई है, प्रिंट आप लोग को नजर आ रहा होगा। एयरलाइन शेप में चौक लिए हुए हैं। यहाँ पर जो है थोड़ा सा कर्व देके जो है मैंने इसके चौकों को तिरछा करा हुआ, यानी कि हमारा जो दामन है, दामन जो है उसकी स्पेस कम है यहाँ पर, ठीक है। तो क्रॉसिंग में जो है मैंने यहाँ पे कटिंग करी थी और इस तरह से मैंने जैसे मैंने गले पे लगाया था वो कपड़ा, उसके ही अंदर जो है पलटावा लगाया हुआ इसको, और दामन पे ट्राउजर का कपड़ा था वो मैंने लगाया हुआ है। स्लीव्स की आप लोग जो है प्रिंट देख लीजिए, लुक आप लोग के सामने है। अच्छा, इस पे मैंने क्या करा, जैसे ही मैंने बॉक्सेस गले पे लगाए थे आप लोगों ने देखे होंगे, इस पे जो है मैंने बॉक्सेस नहीं लगाए हैं। क्या करा, जो हमारी स्लीव्स थी उस पे ही मैंने फ्यूजन अंदर डाल के जो है मैंने इस पे कपड़े पे डिजाइन बनाया हुआ, और इसके नीचे जो है मैंने ये गोल्डन कपड़ा अटैच करा हुआ। ये मैं आप लोग को यहाँ से दिखा दूँ ताकि आप लोग को आराम से नजर आ जाए। देखिए, इस तरह से डिजाइन बना के इसको जो है मैंने इसके साथ अटैच किया हुआ है। जब हम अटैच करेंगे जो हमारी स्पेस थी उसमें इस तरह की लुक आ जाएगी। और सेम एज इट इज जो मैंने गले पे ये पत्ते और नलकियां लगाई हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी लगा दी, इससे जो है एक खूबसूरत और फैंसी सी लुक आ गई शर्ट की। ये देख लीजिए, ठीक है। आई होप ये अच्छे से आप लोग को समझ आ गया होगा, प्रिंट आप लोग को नजर आ गया होगा। बैक की बात कर लेते हैं, तो बैक इसका मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, लेकिन मैं आप लोग को प्रिंट दिखा देती हूँ बैक का। देखें, इस तरह से प्रिंट था, बैक पे मैंने कोई कलियां वगैरह कुछ नहीं डाला है। अब इसके ट्राउजर की बात कर लेते हैं। ट्राउजर इसका प्लेन यानी कि वन शेड का कलर का ही था। अब मैंने क्या करा, इसके जो नीचे है डिजाइनिंग दी है, इसमें मैंने पेपर रख दिया ताकि आप लोग को वाजे तौर पे नजर आ जाए डिजाइन किस तरह का है। इस तरह से बॉक्सेस बनाएंगे, डबल कपड़े के बॉक्सेस बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या करा, इस तरह से बॉक्सेस बनाए, इसके साथ अटैच करा, और एक इसके जो ये पट्टी हमने नीचे स्ट्रिप लगाई है इसके साथ अटैच करा, और बीच में जो है मैंने इसकी डोरी डाली हुई, जिसकी वजह से ये आपस में एक साथ जो है ज्वाइंट हुए हैं, ये आप लोग को नजर आ रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको खींच के भी दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से मैंने अंदर डोरी डाली हुई जिसकी वजह से ये ज्वाइंट हुआ है। सो जी, ये हुई इस ट्राउजर की बात। अब इसके दुपट्टे की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि इसके दुपट्टा बहुत ही हसीन है, मतलब इस सूट की जो जान है वो सारी दुपट्टे में आ जाती है। जे डॉट का ये दुपट्टा बहुत जबरदस्त था। इसमें मैंने क्या करा है, देखें, इसमें ब्लॉक पेंटिंग हुई भी मैंने आप लोग को बताया था गोल्डन कलर की, तो मैंने उस तरह का ही ये अंदर की तरफ कपड़ा लगाया है, ये आप लोग को नजर आ रहा होगा। इस तरह से कपड़ा लगाया और इसकी पाइपिंग जो है बाहर की तरफ दे दी, थोड़ी सी इससे लुक आ गई। अब जो है मैं इसको आप लोग को पहन कर दिखाती हूँ कि तो आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसकी लुक कैसी लग रही है। सो ड्रेस की फाइनल लुक देखने के साथ साथ मेरे चैनल पर जो मेरी दोस्तें बहनें न्यू आई हैं, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन जो है प्रेस कर दें, ताकि काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आने वाली है वो आप लोग तक पहुँच सके। तो जल्दी से अपने सेकेंड ड्रेस की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। आप आ जाते हैं अपने सेकंड ड्रेस की तरफ। सेकंड ड्रेस जो है भाई ये खद्दर का है, क्योंकि मैं आप लोग को विंटर कलेक्शन दिखा रही हूँ, तो पहले आप लोग कपड़ा देख लीजिए। खद्दर का कपड़ा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त दिया हुआ था जे डॉट वाले ने। अच्छा, इसकी गले की बात करें तो गला मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, सिर्फ बीच में जो है स्ट्रिप्स लगाई है ग्रीन कलर की, क्योंकि ये जो कलर आ रहा था इसके इसमें जो है अकॉर्डिंग मैंने इसमें ग्रीन कलर की जो है स्ट्रिप्स लगा दी, और उसमें जो है पल्स लगाए हुए हैं आप लोग को नजर आ रहा है ज्वाइन करने के लिए, सिंपल। बाकी जो है साइड्स में यहाँ पे पैनल पे सेम एज इट इज मैंने सेंटर लेस लगाई हुई। अच्छा, ये सेंटर लेस जो है बिल्कुल बारीक है, इसके अंदर कपड़ा लगाने की इतनी नीड नहीं थी। इसके दामन की बात कर लेते हैं और चौक की बात कर लेते हैं, तो ये आप लोग के सामने है, रिसेंट सी डिजाइनिंग हुई हुई है, ठीक है। हमने क्या करा है, चौक पे इस तरह से ही जो ग्रीन कपड़ा मैंने गले पे लगाया हुआ था, इस तरह से चौक पर लगाया हुआ है और नीचे दामन पे लगाया हुआ है। फ्रंट के दामन पे मैंने क्या करा है, हमारे पास जो इसके ट्राउजर का कपड़ा था, ट्राउजर का कपड़ा लेके उसमें जो है मैंने 3 to 4 कलर्स के जो है मल्टी कलर्स के धागे लिए हैं, और उनकी जो है मैंने इस पे जो है आड़ी करके
लाइंस डाली, मैं सिलाई की है तो सिलाई से इस तरह से ये लुक आ गई इसके ऊपर। इसकी तो स्लीव्स का प्रिंट आप लोग देख लीजिए, अच्छा स्ट्रेट ये स्लीव्स बनी हुई है, स्लीव्स के आगे भी सेम एज इट इज जैसे मैंने दामन पे बताया उस तरह से मैंने शलवार के कपड़े पे ये मशीन की सिलाई की हुई है मल्टी कलर का धागा लेके, और जो है बीच में मैंने इसके स्पेस दे के कपड़े के जो है मैंने स्ट्रिप्स लगाई है पतली पतली करके, जिसमें जो है अंदर से नजर आ रहा होता है इस तरह से। का बिल्कुल प्लेन है, कोई डिजाइन ही नहीं की हुई, बस आप लोग को प्रिंट दिखाना था। नेक्स्ट इसके ट्राउजर की बात कर रहे हैं, ट्राउजर जो है पैंट ट्राउजर सिला हुआ है ठीक है, इसकी कटिंग हुई थी, इसमें मैंने क्या कर प्रिंटर्स डाल दी, प्रिंटर्स के साथ वही कलर वाली जो है हमने सिलाई कर दी है। सिलाई करने के बाद फिर जो है हमने स्पेस दी है, जैसे स्लीव्स भी स्पेस दी थी और उसमें जो है हमने इसी तरह से स्पेस से हमने ये जो है स्ट्रिप्स लगाई हैं। इसके बाद जो है मैंने वही सिलाई की हुई है, देन इसके बाद जो है उस मशीन की सिलाई करने के बाद दो प्रिंटर्स नीचे डाली हुई, यानी कि एक हमने इस सीरीज में बनाया हुआ डिजाइन जो आप लोग को नजर आ रहा है ट्राउजर पे ठीक है। ट्राउजर के साथ साथ मैं आप लोग को इसका रुबट्टा भी दिखा देती हूँ, रुबट्टे पे मैंने क्या करा, रुबट्टा इसका बहुत ही खूबसूरत था, जे डॉट के रुबट्टे आप ना पूछें बहुत ही ज्यादा हसीन होते हैं, इनके प्रिंट्स बहुत अच्छे होते हैं, आप लोग साथ साथ इसके स्क्रीनशॉट लेते रहें। अच्छा ये आप लोग को नजर आ गया होगा रुबट्टा, रुबट्टे के चारों तरफ जो है ये मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स लगाई है, ये लगी हुई नहीं थी, ये घर में लगाई गई है ठीक है। अनस्टिच ये मैंने ड्रेस दिया था तकरीबन, ये हमें जो है 25 का पड़ा था, और इस ड्रेस को मैंने कैजुअल स्लीपर के साथ और घरेलू जो बड़ी सुखड़ लड़की होती है उनकी तरह स्टाइलिश से बाल बांध के फेयर किया था। और अगर आप लोग चाहें तो इस तरह के लोग गेट टुगेदर घर में दावतों में कर सकते हैं। सो गाइस अब आ गए हम अपने थर्ड एंड लास्ट ड्रेस की तरफ, पहले मैं आपको डिटेल में एक बात बता दूं, ये मैंने जे डॉट से लिया था और ये मैंने सेल से ड्रेस लिया था, ये टू पीस था ठीक है, और ये मैंने 1600 का सेल से लिया था। आई डोंट नो कि सेल में ही ये प्रॉब्लम होती है या इनके, वैसे तो इनके दूसरे ड्रेसेस में ऐसा नहीं था कुछ, लेकिन जो है ये मैंने सेल से लिया था। इसमें एक डिफेक्ट ये निकला, ये प्रिंट तो बहुत ज्यादा हसीन और जबरदस्त था लेकिन जो है इसमें ये कलर छूट गया, सारा मसला ये। और इसके ट्राउजर की बात करूंगी तो इसके ट्राउजर का कपड़ा भी खराब निकला है, हो सकता है कि इनके एक दो पीस निकल गए, लेकिन नो डाउट इनके दुपट्टे और शर्ट्स बहुत जबरदस्त होती हैं, ट्राउजर में ही ऐसा इशू हो, लेकिन इसकी शर्ट में भी आ गया मे बी कि ये सेल का है इसलिए। लेकिन मैंने आप लोग को डिजाइनिंग बताई थी तो साथ साथ मैं डिजाइनिंग भी बताती चलूँ। सबसे पहले मैं इसकी गले की बात करती हूँ, गला जो है मैंने इसका बोर्ड बनाया हुआ था और ये जो है मैंने मार्केट से एक गला लिया था ठीक है, ये बंच सा बना हुआ था जो मैंने गले पे लगाया है और इसके सेंटर में जो है मैंने इसको कट करके सिल्क का मेरे पास एक कपड़ा रखा हुआ था उसको अंदर ज्वाइन किया है, पहले गले के साथ देन इसके बाद मैंने ये गला जो है गले के साथ ज्वाइन किया है। और इसकी स्पेस में जो है मेरे पास कुछ सितारे मोती पर्ल्स अक्सर जो है सिलाई कर रहे थे उनके पास ये रखे हुए होते हैं, तो इसको मैंने जो है इसके साथ अटैच कर दिया, इससे एक जो है फैंसी सी शर्ट में लुक आ गई। शोल्डर्स की तरफ चलते हैं, शोल्डर्स जो है मैंने इसके जो है चकोर नहीं बनाए थे, इसको स्ट्रेट यहाँ से कट करके थोड़ा सा कर्व में कट करा था, ये चकोर शोल्डर नहीं कहलाएंगे, चकोर शोल्डर जो होते हैं वो बिल्कुल प्लेन सीधे स्ट्रेट होते हैं, इसमें जो है मैंने थोड़े से स्ट्रेट लाके यहाँ से कर्व कर दिया था इनको। वही जो मैंने कपड़ा लगाया है उसी की जो है मैंने यहाँ पे पाइपिंग लगाई हुई है, पाइपिंग जो है मैंने स्लीव्स के साथ अटैच की हुई है, शर्ट के साथ अटैच नहीं की हुई ठीक है। जो प्रिंट के साथ साथ अब हम इसके चौक और दामन की बात कर लेते हैं, चौक और दामन बिल्कुल प्लेन बनाया था और अंदर की तरफ वही मैंने जो है कपड़ा लगाया हुआ है और सिंपल पाइपिंग लगाई हुई है। इसके बैक इसका बिल्कुल मैंने सिंपल रखा है, नो 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 नो, इसका जो है एक बॉर्डर दिया हुआ था, बॉर्डर जो है मैंने इस तरह से चकोर उसमें लगाया है और बीच में स्पेस रख के वही मैंने सेम एज इट इज जैसे मैंने गले में कपड़ा लगाया था वैसे ही मैंने कपड़ा लगाया हुआ है और उसमें जो है ये मैंने सितारे मोती और पर्ल्स जो है इसमें लगाए हुए, तो ये बहुत प्यारी सी लुक आ गई थी बैक की। चौक दामन आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है। अब अपनी स्लीव्स की तरफ आ जाते हैं, स्लीव्स में आप लोग देख लें मैंने एक तरफ पेपर रखा हुआ है ताकि आप लोग नजर आ जाए और एक तरफ मैंने पेपर नहीं रखा हुआ के वाजे ना हो रहा हो तो वो वहां पे वाजे हो रहा है। प्रिंट आप लोग देख लेते हैं, एक स्लीव्स का प्रिंट चेंज था, एक स्लीव्स का प्रिंट जो है इसका चेंज है ठीक है। ये जो है मैंने मार्केट से ली थी गला और इसके साथ जो है मुझे नहीं मिला था, ये मैंने अलग से ली थी लेस टिश्यू पे जो है इस तरह कढ़ाई हुई थी इसकी और अंदर की तरफ जो है मैंने इसके कपड़ा लगाया हुआ था वही शॉकिंग पिंक कलर का। तो स्लीव्स हो गई इसकी। इसके ट्राउजर की बात कर लेते हैं, ट्राउजर इसका मतलब कपड़ा ये लोग बहुत अच्छा होता है जे डॉट का, बहुत खुला कपड़ा देते हैं कि आराम से ट्राउजर शलवार बन जाए शर्ट भी बन जाए, इतना खुला कपड़ा इनका होता है। तो ट्राउजर इन्होंने एम्ब्रॉयडरी दी हुई थी इस तरह से, लेकिन ट्राउजर को वही बात आ गई कि इसमें इशू आ रहा था, कपड़ा खराब निकला है, ट्राउजर का कलर खराब हो गया, कढ़ाई खराब हो गई। अब जो है इसको मैं आप लोग को वेयर कर दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। ड्रेस की फाइनल लुक आप लोगों के सामने है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करके साथ साथ कमेंट्स करके बताया करें कि आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।